हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थानी जायका चैनल पर। और आज हम बना रहे हैं सूजी के पकोड़े। बेसन के पकोड़े तो सभी बनाते हैं, आज हम सूजी के पकोड़े बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सूजी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें एक कप सूजी डालेंगे। इसके साथ ही हम आधा कप मैदा डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें एक टीस्पून नमक डालेंगे। अब हम इसमें एक टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। एक बड़े साइज की प्याज को बारीक काट लिया है, ये भी डाल देंगे। एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है, ये डाल देंगे, बारीक काटा है लहसुन को। एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक ली है, इसको भी बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, ये भी डाल देंगे। अब हम इसमें एक टीस्पून जीरा डालेंगे। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा बैटर बना देंगे। गर्म पानी डालने से सूजी अच्छे से फूल जाएगी। ये देखिए, हमने सूजी का एक गाढ़ा बैटर बना दिया है। अब इसको ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, बैटर अच्छे से सेट हो गया है। ये बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। अगर आपका बैटर ज़्यादा पतला हो गया है तो उसमें थोड़ा सा मैदा डाल लें, और अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा सा गर्म पानी डालकर एडजस्ट कर लें। अब हम इसमें एक पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे, मिक्स कर ले अच्छे से। पकोड़े का बैटर तैयार है, तो अब पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तेल गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर लें। और अब इसमें छोटे छोटे पकोड़े तल लेंगे। पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते। ये देखिए, पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकालेंगे। और इसी तरह से सारे पकोड़े फ्राई कर देंगे। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ पकौड़े कितने कुरकुरे बने हैं। ये देखिए, आवाज़ से पता चल रहा है। अब मैं इसको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। ये देखिए, तैयार है गर्मा गर्म सूजी के पकौड़े। एक बार आप इनको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।